भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत की क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा दिया। पूरे मैच में भारत की क्रिकेट टीम का जलवा रहा। उन्होंने पूरे मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक अपने मैच पे पूरा काबू बनाए रखा और मैच को ख़त्म करके ही वो वहाँ से निकले, क्योंकि शुरुआत में पिच का व्यवहार स्पिनरों के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि श्रीलंका स्पिनर भारत के बल्लेबाजों को मौका ही नहीं दे रहे थे रन बनाने का। लेकिन स्मृति मंदाना और जमीमा रॉड्रिक्स ने जो पार्टनरशिप करी वो लाजवाब पार्टनरशिप थी। हाँ, लोग कहेंगे कि ये थोड़ी स्लो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार का स्पिन मिल रहा था श्रीलंकाई स्पिनरों को, तो ऐसा लग रहा था इस पिच पे कैसे भी करके इंडिया 100 रन भी बना ले वो भी काफ़ी, क्योंकि जब तक जमीमा और स्मृति खेल रही थी थोड़ा आसान बैटिंग लग रही थी। लेकिन जब स्मृति आउट हुई तो हमें पता चला कि रियल में पिच कितनी कठिनाई, क्योंकि हरमनप्रीत बहुत दिनों बाद इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, उन्हें बैन लग चुका था बांग्लादेश में, तो उसके बाद उनका आना और फिर वो भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही थी। लेकिन भारत ने कैसे भी करके 17 रन का टारगेट दे दिया श्रीलंका को। जब श्रीलंका की टीम बैटिंग करने आई तो उनकी शुरुआत इतनी ताबड़तोड़ रही, मैं वो क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि भारत के स्पिनर इस पिच पे स्पिन ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी खराब बॉलिंग हुई पहले ओवर में, जब दीप्ति शर्मा ने बिल्कुल भी रन दे दिए, 12 रन दे दिए थे पहले ओवर में। लेकिन हरमनप्रीत सिंह की लाजवाब कैप्टनसी, उन्होंने अपनी स्पिनर को रोका और अपने फास्ट बॉलरों को यूज किया, जिसमें पूजा वस्तकर और तिलक संधू की लाजवाब बॉलिंग थी। तिलक संधू, मैंने इनका नाम सुना भी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने बॉलिंग करी है, अपने शुरुआत के स्पेल में 3 विकेट लेके भारत की वापसी करी, जिसमें से इनकी श्रीलंकाई कैप्टन का विकेट वो सबसे जरूरी था, क्योंकि वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी। उसके बाद भारत के स्पिनर्स राजेश्वरी और देविका ने लाजवाब बॉलिंग से भारत को मैच बनाए रखा, और फिर दीप्ति शर्मा अंत के ओवर में आके उन्होंने भी अपनी बॉलिंग से विकेट दिलवाए, और फिर जाके भारत के टोटल टीम एफर्ट्स की वजह से भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और भारत कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल से चूक गया था, लेकिन एशियन गेम से वो चूका नहीं, और भारतीय महिला की लाजवाब टीम स्प्रिट की वजह से हमें दूसरा गोल्ड मेडल मिल चुका है आज के दिन का, क्योंकि पहला गोल्ड भारत को शूटिंग में मिला था, जिसमें टीम इवेंट में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था मेंस में, और अब वुमेन्स ने आज भारत को गोल्ड मेडल जिता दिया है। और अगली हमें कोशिश रहेगी कि भारतीय क्रिकेट टीम जो एशियन गेम्स खेलने गई है वो भी गोल्ड मेडल लेके ही आए। और प्लीज आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन से आप प्लेयर ने आपको इम्प्रेस किया, कौन सा मोमेंट मैच का था जहाँ पे इंडिया ने श्रीलंका पर हावी हो गई, तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए एशियन गेम्स के स्क्वाड पर। तो प्लीज चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।